अभी आपको शेयर कर रहा हूँ, अभी ओपन हो जाए एक बार। अच्छा, आपने फ्लिप फ्लॉप आता है क्या आपको? फ्लिप फ्लॉप का नाम सुना है आप लोगों ने कभी? Have you heard about this? अच्छा, सर्किट। ओके, एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, उसको समझो, उसके बाद में हम इसको ओवर करते हैं। विजिबल? यस सर। सो दिस इज योर एक्सपेरिमेंट नंबर, वो मैं मेंशन कर दूंगा कौन से नंबर का एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे तो 14 लिख रखा, लेकिन मैं मेंशन कर दूंगा कौन से नंबर का एक्सपेरिमेंट है। सो दिस इज योर बैटरी वोल्टेज लेवल इंडिकेटर। तो देखो, एक्सपेरिमेंट में समझने के लिए सबसे पहले जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझना। इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए सबसे पहले एक चीज ये है कि आप आपके फोन में ऊपर की तरफ देखते हो कि बैटरी आपकी 20% 30% या जितने भी परसेंट हो गई है वो आपको दिखता है। तो ऐसा कैसे होता है कि आपको, है ना, मतलब आपके बैटरी में कितनी वैल्यू बची है वो आपको एज अ इंडिकेटर की तरह शो होता है। आपके फोन को ओपन करके देखिए, उसके अंदर आपको बैटरी का परसेंटेज दिख रहा होगा, 26%। जैसे मेरे बैटरी के अंदर 26% है और मुझे पता चल रहा है कि 26% है। कैसे? और ये 26% कैसे पता चल रहा है मुझे? क्योंकि वहां पर जो है बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर 26% वैल्यू भरी हुई है, उसमें डॉटेड है या फिर लाइंस हो गई। तो ये जो बैटरी वोल्टेज लेवल इंडिकेटर होता है ना, ये क्या होता है, एक तरीके के आईसी होती है। ये दिस इज योर IC LM3914, दिस इज योर IC LM3914 विच वुड हैव 18 ट्विक्स। इसके 18 पॉइंट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेके 18 तक। ये सारी की सारी क्या होती है, आपकी LEDs हो गई, LED 1 से लेके LED 2 तक, 10 तक। इन 10 LEDs का काम क्या है कि मतलब जितनी आपकी वोल्टेज है उसका परसेंट निकालो और जितनी आपकी एलईडीज है उसका परसेंट ग्लो कर देगा। जैसे अगर आपकी बैटरी के अंदर 50% जान है, या फिर बैटरी के अंदर 50% आपकी क्या चार्ज बचा हुआ है, तो टोटल आपकी अगर मान लो 100 LEDs है तो 50 LED जल जाएगी। अगर आपकी बैटरी में 25% काम मतलब वैल्यू बची हुई है तो आपकी एलईडीज अगर 10 है तो आपके पास 2.5 आपकी एलईडी जल जाएगी। तो उस तरीके से आईसी डिसाइड होती है। क्या इसका मेन मोटिव समझा आप लोगों ने, जो मैं बताना चाह रहा हूं? यस सर। तो अब अगर आप लोगों को अगर कोई पूछता है कि बैटरी कैसे दिखती है, तो आप लोग बता सकते हो कि देखो, फिक्स नहीं होता कि हमारे मोबाइल में भी ये आईसी लगती है। ये फिक्स नहीं होता, हमारे मोबाइल में भी इसकी क्या होती है, कंफर्टेबल की आईसी लग जाती है जिससे ज्यादा बैटरी वोल्टेज दिखा सकता है। अगर आपके पास 100% है तो 100% बैटरी है तो आपकी जितनी एलईडीज है ना उसका 100% ग्लो करेगी। अगर 90% है तो बैटरी का 90% ग्लो करेगी। तो ऐसे आपकी डिजाइन होती है। तो इसके अंदर आपके पास ये आपका वी माइनस मतलब हो गया ये ग्राउंड, वी प्लस मतलब आपका पॉजिटिव वाला हो गया, आर एल ओ मतलब लो इंटेंसिटी लाइट्स हो गई, एस आई जी मतलब सिग्नल पॉइंट हो गया, आर एच आई मतलब हाई इंटेंसिटी वाला हो गया, रेफरेंस आउट और रेफरेंस एडजस्ट, और ये लास्ट होता है आपका एक मोड। मोड का मतलब हो गया, किसी किसी के मोबाइल में आप लोग तो चेक करो कि कुछ डंडे आते होंगे, मतलब बार आती होगी, जैसे 4 बार या फिर 3 बार ऐसे कुछ, या 5 बार ऐसे लिखी होगी। चेक करके देखो, किसी किसी के फोन में आ रखा होगा कि दिस इज योर, मतलब 5 डंडे होंगे बैटरी के अंदर, 5 या 4 डंडे होते हैं। और किसी की बैटरी के अंदर क्या होता है, डॉट आते हैं, और किसी की बैटरी के अंदर ना लिक्विड फ्लो के रूप में होता है, कि मतलब उसके अंदर क्या होता है सर, ना तो बार है ना डॉट है, इसमें क्या है डायरेक्ट हमारे लिक्विड है, मतलब कि परसेंट कम हो रही है वो लिक्विड कम होता जाता है। चेक कर सकते हो सब लोग? तो कोई एक ऐसा जिसके डॉट हो रखा है? एंड्रॉइड में नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो फोन के फीचर्स पर डिपेंड करता है, फोन किस कंपनी का उस पर डिपेंड करता है वो।
कीपैड में देखो, कीपैड में आपके बार होगा, बार बार वाला होगा कीपैड में, है ना। और किसी के चेक करो, किसी का डॉट भी होगा, डंडी की जगह मतलब जो बार है ना, बार की जगह डॉट डॉट होंगे। नहीं डॉट मतलब उस बॉक्स के अंदर डॉट डॉट होता है। जैसे मेरे पास वो फोन है, उसके अंदर है ना एक लिक्विड बता रहा है, तो अभी जैसे मतलब इसके अंदर अब 25% है, तो 25 में हल्का सा कम हो गया, इसमें कोई वो बार नहीं है, इसके अंदर लिक्विड होता है, लिक्विड कम होता जाता है। तो दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और ये जो एक्सपेरिमेंट के अंदर जो मैं मोड बता रहा हूँ, ये आपका बार या फिर आपका क्या शो करता है, डॉट शो करता है। तो एक्सपेरिमेंट कैसा है वो देख सकते हो आप। ये देखो सर्किट कुछ ऐसा बना हुआ है, आपने आईसी लगा दी, ये इसका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 के साथ भी एलईडी लगा रखी है, 2, 18, 17 फिक्स होती है, ये पॉइंट फिक्स होते हैं। अब देखो इन सर्किट के साथ में क्या लगा रखा है, हमने रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, रेजिस्टेंस के हिसाब से क्या होता है, ये ग्लो करता है नहीं करता है, वो सब के फीचर्स मैं आपको जब वहां पे वर्किंग होगी तब कंडीशन में बताऊंगा। अभी आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर, ये इसके पॉइंट्स को हमने एलईडी से कनेक्ट कर दिया, और जो काम के पॉइंट्स थे उनको हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, और हमने यहाँ पे जहाँ पे बैटरी लगाने वाला था बैटरी, 8 नंबर के पॉइंट को हमने ग्राउंड कर रखा है, 8 नंबर का पॉइंट कौन सा है, एडजस्ट वाला, और 9 नंबर के पॉइंट को हमने क्या कर रखा है, डॉट से डिनोट कर रखा है, डॉट या फिर ग्राफ। तो हमारे पास ये सब कुछ आउटपुट आ गया। तो क्लियर है ये वाली चीज, किसी को और कुछ समझना है इसमें, कोई डाउट हो तो पूछ सकता है मुझसे। ऐसा सर्किट हमको कंप्लीट करना है, और हमारे पास आउटपुट ग्लो कर देगा कि कितनी हमारे पास बैटरी बची हुई है। जैसे मान लो मैं तो अगर 5 वोल्ट की बैटरी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो 100% ग्लो करेगा, तो आपकी सारी की सारी एलईडी ग्लो कर देगी जितनी ग्लो है। अगर मान लो सपोज करो मैंने मेरे पास थोड़ी बैटरी वीक हो रखी है, मैंने साइड की एक्सटर्नल बैटरी लगा रखी, तो एक्सटर्नल बैटरी क्या करेगी, मेरे पास मान लो कुछ कम है, तो वो उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज जलाएगी। जैसे 70% है, 70 मतलब 7 या 8 एलईडी जला देगी, अगर 10 है तो 7 एलईडी जला देगी। होप सो आपको समझ में आई होगी चीजें, आ गई है क्लियर है। बस इतना ही है, इतने छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट है बाकी, जो मैंने छुड़वा रखे थे ना वो सारे एक्सपेरिमेंट इतने छोटे छोटे से है। साल विजिबल हो नॉट, अब इसके लिस्ट ऑफ यस एक्सपेरिमेंट सर। पे जाओ, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में जाते ही देखो तुम्हारे को ये हाफ वेव दिख रहा है 6 नंबर, फुल वेव दिख रहा है 6 नंबर, जेनर डायोड दिख रहा है, बीजेटी कॉमन एमिटर कॉमन बेस दिख रहा है, तो 4 तो एक्सपेरिमेंट यही हो गए तुम्हारे, मतलब 2, 3 तो हो ही गए यहाँ पे तुम्हारे। ठीक है, अब एक बार मेरे को वो चेक करने दो, मैंने उसे कौन सा लिंक भेजा तुम्हारा, सही आ रहा है, देखो यही आ रहा है बार बार खुल के, गूगल का दे रहा हूँ ना वर्चुअल लैब खोल के, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक, तो ये नहीं दूं और कुछ और दूं कभी तुम्हारे को, ये वाला दे दूं मैं तुम्हारे को। ओके ओके ठीक है। अच्छा अब देखो एक और, मैं इसको ये तुम लोग देख सकते हो, तुम्हारी ये प्रोफाइल है जिसके अंदर अभी तक मतलब ये ऑफिशियल असाइनमेंट तुम्हारा 17 को दिया था मैंने, अभी तक किसी ने भी सबके मिसिंग